कि लास्ट 24 आवर में कौन से ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनकी सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, मतलब 1 बिलियन से भी कम हुई है। इसका मतलब यह है कि इसकी प्राइस में कोई खास चेंजेस नहीं आने वाले, जितना मार्केट में इसकी टोटल वैल्यू है उससे ज़्यादा लेन देन हुआ है, इतना पॉपुलर है। ट्वेंटी फोर आवर ट्रेडिंग वॉल्यूम कैसे इफेक्ट करता है प्राइस के ऊपर या उसकी फ्यूचर प्राइस के ऊपर किसी भी क्रिप्टो करेंसी की? दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं या फ्रीक्वेंट बाइंग सेलिंग करते हैं क्रिप्टो की, तो आपके लिए 24 आवर ट्रेडिंग वॉल्यूम कैसे मैटर करता है। दोस्तों डिपेंड करता है कि अगर किसी भी क्रिप्टो का, किसी भी क्रिप्टो करेंसी का 24 आवर वॉल्यूम जो है, ट्रेडिंग लेन देन जो है, वो ज़्यादा है दूसरी क्रिप्टो के मुकाबले में, तो 100% उसकी जो प्राइस होगी वो ऊपर जाएगी। इसका मतलब ये है कि उसकी डिमांड ज़्यादा है, उसका लेन देन ज़्यादा हो रहा है, उसकी सर्कुलेशन ज़्यादा हो रही है, उसकी हाई पॉपुलरिटी सब ज़्यादा है, क्लियर है, नो ब्रेनर है। और इसकी जो एग्जांपल है वो मैं क्लियरली आपको इस टाइम स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे हम शुरू करते हैं यहाँ पे, आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आते हैं, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आते हैं तो शुरू में आपको नॉर्मली रैंकिंग हो जाती है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ 24 आवर वॉल्यूम के ऊपर, इस मैट्रिक्स के ऊपर। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है कि लास्ट 24 आवर में कौन से ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनकी सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे पता लग जाता है कि मुझे यूएसडीटी की 55 बिलियन, इवन बिटकॉइन से भी ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, लेकिन ये मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि ये एक स्टेबल कॉइन है, इसकी प्राइस ऊपर नीचे नहीं जाती है। तो मैंने इथेरियम को भी छोड़ दिया, यूएसडीसी को भी छोड़ दिया, अनदर स्टेबल कॉइन सोलाना को भी छोड़ दिया, सोलाना भी अब ये देखें, लेकिन इसकी जो टोटल मार्केट कैप है 47 बिलियन है, उसके अगेंस्ट इसकी 10% से भी कम है। फिर मैं नीचे आ गया, यहाँ पे देखा फर्स्ट डिज, ये अनदर स्टेबल कॉइन है। अब आ जाते हैं पॉलीगॉन में, पॉलीगॉन में देखें 9 बिलियन है, लेकिन पॉलीगॉन में 2 बिलियन की जो है ना 24 आवर में ट्रेडिंग हुई है। अगर आप डे ट्रेडर हैं या फ्रीक्वेंट जो है ना ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके लिए पॉलीगॉन बेस्ट होगा। वो कैसे, देखें इसकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रही है, इसकी प्राइस फ्लक्चुएट देखें कहाँ पे हो रही है, उसके अगेंस्ट आप सोलाना में देखें, यहाँ पे देखें सोलाना में अगर आप देख सकते हैं कि इसका 24 आवर ट्रेडिंग वॉल्यूम इसकी टोटल मार्केट कैप के मुकाबले में कितना है, 10% है। और इसका देखें 2 बिलियन, इसकी टोटल मार्केट कैप है 9 बिलियन, लेकिन 2 बिलियन, इसके मतलब ये है कि पॉलीगॉन ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रही है, पॉलीगॉन इस टाइम ज़्यादा जो है ना लेन देन हो रही है, उसके ऊपर ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है। उसी तरह से हम नीचे आ जाते हैं, हम अब एनालाइज करेंगे ऐसे कॉइन जो हमें आने वाले टाइम में, नेक्स्ट 2-3 डेज में या 1 वीक में, 2 वीक्स में ज़्यादा पैसे दे सकते हैं, वो ऐसे कॉइन्स। तो दोस्तों इसी तरह से हम रिसर्च अपनी जारी रखेंगे। तो मैंने जो है ना एक कॉइन फाइंड आउट किया, मैं मोर के ऊपर जाता हूँ, रिसेंटली एडिड में मुझे एक कॉइन नज़र आया है, वो है ट्रंप। ये देखें, मैं एनालाइज कर रहा था, आप लोगों के लिए आसानी है मैं एग्जांपल दे देता हूँ, एनालाइज कर रहा था, तो मैंने ये देखा, ये देखें मार्केट कैप है इसकी टोटल अभी अनवेरीफाइड है, ठीक है, टोटल मार्केट वेरीफाइड सर्कुलेटरी सप्लाई फ्लोट, ठीक है, अभी वेरीफाइड नहीं हुई। देखें मार्केट कैप है 604,000, ठीक है, लेकिन 24 आवर वॉल्यूम जो है वो 783,000। इसका मतलब है ये जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, अभी नया कॉइन है, बिल्कुल अभी अवेलेबल ही नहीं है, जो है ना मोस्टली एक्सचेंजेस के ऊपर, यूनिस्वैप के ऊपर अवेलेबल है। जिन लोगों को मैंने जिन लोगों ने मेरी दूसरी वीडियोज़ देखी है, मैंने उन्होंने बताया था कि आप 100 टाइम्स कैसे कर सकते हैं प्रॉफिट, लेकिन तो वो यूनिस्वैप को इस्तेमाल करना भी मैंने उसमें सिखाया, तो यूनिस्वैप के ऊपर अवेलेबल है, यहाँ से आप जाके इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए 783,000, मतलब इसकी जो टोटल मार्केट कैप है उससे भी ज़्यादा लेन देन हुआ है, जितना मार्केट में इसकी टोटल वैल्यू है उससे ज़्यादा लेन देन हुआ है, इतना पॉपुलर है। अब ज़रा इसी तरह से नीचे जाएंगे, आपको पता लग जाएगा पॉपुलरिटी वॉच लिस्ट 5,500 टाइम्स इसको जो है ना वॉच लिस्ट में ऐड किया जा चुका है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। इसका मतलब क्या है, जिस भी क्रिप्टो करेंसी का जो 24 आवर वॉल्यूम होता है ना, 24 आवर वॉल्यूम, वो जितना करीब होगा और टोटल मार्केट कैप, इसका मतलब है उसकी फ्लो उतना ज़्यादा है। जिस क्रिप्टो करेंसी का फ्लो ज़्यादा होगा, इसका मतलब है वो क्रिप्टो करेंसी ज़्यादा फेमस है, वो क्रिप्टो करेंसी ज़्यादा मूवमेंट में, उसकी प्राइस ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो दोस्तों ये शुरू में जब लॉन्च हुआ है, उसके बाद इसने पंप किया है, तो अब जो पहला इसका फॉल है, पहली डिप है इस ट्रंप की, आप याद रख लीजिएगा कि ये फ्यूचर में ऊपर जाने वाला है, जहाँ तक मेरी प्रेडिक्शन है इसने ऊपर जाना है। पहली डिप क्यों आती है, अब आप कहेंगे कि जो है ना ये शुरू में ऊपर गया तो डिप क्यों आया। देखें जब शुरू में जब लॉन्च होता है ना, उस वक्त जो है ना इसकी प्राइस निकलती है मार्केट में, जब इसकी प्राइस निकलती है मार्केट में लोग बाय करना शुरू कर देते हैं, प्राइस स्टेबल होती है, सेट होती है। तो जिन लोगों ने इनिशियली
इन्वेस्टर्स होते हैं या जो जिन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया होता है वो क्या करते हैं, अपने कॉइन्स मार्केट में सेल करते हैं। जब अपने कॉइन मार्केट में सेल करते हैं क्योंकि उनको पैसे चाहिए होते हैं प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, जब वो सेल करते हैं मार्केट में क्योंकि उनके पास तो कॉइन पहले पड़े होते हैं, जब फर्स्ट टाइम वो मिंट करते हैं तो प्राइस डिप होती है, एक टाइम तक प्राइस नीचे जाती 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 है, फिर जब जाकर मार्केट स्लो होती है, फिर जब नॉर्मल जो मार्केट के लोग होते हैं जब तक ये कॉइन एक्सचेंजेस के ऊपर भी लिस्ट हो जाते हैं, डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो जाते हैं और मार्केट में इसकी जो है ना पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है, तो फिर जब लोगों का पैसा इसमें आने लगता है ना तो फिर ये कॉइन फिर पंप करता ऊपर जाता है। तो दोस्तों ट्रंप ये एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है 24 आवर वॉल्यूम की। अगर आप क्रिप्टो में डे ट्रेडिंग करते हैं या फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए 24 आवर वॉल्यूम के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखें 13 बिलियन है डोज कॉइन की, 13 बिलियन, और यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग कितनी हुई है 414, मतलब 1 बिलियन से भी कम हुई है। इसका मतलब ये है कि इसकी प्राइस में कोई खास चेंजेस नहीं आने वाले, इतना पॉपुलर नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आप जो है ना पॉपुलर वही आपको क्रिप्टो करेंसी मिलेगी जिसका जो है ना 24 आवर में जो है ना ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है। ये एक इंडिकेटर है मार्केट का, बहुत क्लियर और फैक्चुअल इंडिकेटर है। 24 आवर में जिसकी ज़्यादा हो रही है उसकी टोटल मार्केट कैप के अगेंस्ट उसकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कुछ क्रिप्टो करेंसीज तो ऐसी होती हैं जिनके ट्रेडिंग वॉल्यूम 24 आवर में उसकी टोटल मार्केट कैप से दुगना होता है, 3 गुना होता है। इसका मतलब उसकी हाइप है, लोग चाह रहे हैं कि मुझे दो, बाइंग सेलिंग क्विक हो रही है, मार्केट में उसका फ्लो है, इसका मतलब उसकी प्राइस ऊपर जाएगी। और ऐसा कॉइन इमेजिन कर लें, ऐसा कॉइन है जिसकी मार्केट कैप है फॉर एग्जांपल 1 बिलियन, लेकिन 24 आवर में वो सिर्फ मे बी 1 मिलियन का जो है ना ट्रेड हुआ है उसके ऊपर, इसका मतलब ट्रेड उसके ऊपर नहीं हो रहा, उसके ऊपर जो है ना मूवमेंट नहीं है, तो उसकी प्राइस ऊपर कैसे जाएगी, डेड है। इसी वजह से 24 आवर वॉल्यूम आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिकग्नाइज करना। कोई भी कॉइन आप उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो 24 आवर वॉल्यूम को आपने देखना है कि आपको पता लग जाएगा कि आने वाले टाइम में उसकी जो है वो प्राइस कैसे फ्लक्चुएट करने वाली है, अपार्ट फ्रॉम अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब उसकी न्यूज़ उससे रिलेटेड जो है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, न्यू इन्वेस्टमेंट, वो अलग। 24 आवर आपके लिए बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है। दोस्तों आई होप कि आपको इसमें से लर्न करने को बहुत कुछ मिला होगा, अगर मिला है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनको बताएं, उनको एक्सप्लेन करें, आप खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं 24 आवर वॉल्यूम कैसे इफेक्ट करता है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।